ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए, ये कुछ हाल है। सुबह के कितने बजे, 11:40 AM हुआ है और ये कुछ ऐसा मौसम है अपने गैलरी में। ये देखिए अपना गार्डन है ना, मस्त एकदम। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो आज मैं CB200X का एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दिखाने वाला हूँ आपको, जो मैं फेस कर रहा था आपको दिखा दूंगा। तो शुरू करने से पहले वेलकम बैक एंड होप यू आर डूइंग वेरी गुड। जैसा कि मैंने कहा था, CB200X में मैं एक फेस कर रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ क्या इशू है। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो दोस्तों, एक प्रॉब्लम से मैं थोड़ा परेशान था। ये देखिए बिल्ली ने कैसे कर दिया। एक हफ्ते से मैं थोड़ा परेशान था CB200X को लेके, कि मैं जब फुटपेक पे बैठता था, बारिश के दिन है, कीचड़ रहता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये कीचड़ इस पर भी लगा रहता है फुटपेक पे, और ये रबर के फुटपेक है, और मैंने इतना ऑफ रोडिंग किया, इतना चलाया, ये देखिए रबर पेक्स कैसे हो गए, है ना, पूरे निकल गए। और इस पर से मेरा पैर चढ़ते ऐसे इस पर स्टैंड करके चढ़ना पड़ता है ना, ऐसे करके चढ़ना पड़ता है ऊपर। तो ऐसे करते वक्त या उतरते वक्त मेरा पैर ये देखिए इस तरीके से नीचे मैं गिर जाता था। कभी कभी यहाँ पे भी लगता था, लेकिन ये राइडिंग शूज़ मेरे को बचाते थे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए अब ऑफ रोडिंग के फुटपेक्स मंगाए जाए। CB200X के मिलते होंगे, कार्बन रेसिंग के, वो मैं मंगवा देता हूँ। अगर आ गए तो मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, उसका प्राइस भी बता दूँगा, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों CB200X के लिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं ऑर्डर कार्बन रेसिंग के फुटपेक्स फॉर CB200X ऑफ रोडिंग, एल्यूमिनियम के रहते हैं। तो दोस्तों ऑर्डर तो कर लिया है, पता नहीं कैसा रहेगा, आ गया। तो दोस्तों अपना पार्सल तो आ गया, मैंने उसे काट दिया है, ये पैकेट है, और उसके खुलते ही मुझे क्या क्या मिला है दिखाता हूँ। ये है बिल इनवॉइस, बाजू में रखते हैं इसको। ये है हाईलैंडर का कार्ड, इसमें जो कुछ लिखा है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड है रेफरेंस के लिए। ये स्टिकर मिला है जो कि मैं अपनी बाइक पे लगा दूंगा। और एक किचन मेरे को होंडा से भी मिला है, अपना E95 जो लिया था मैं, Route 95, उस पे भी ऐसा ही किचन मिला है। बहुत सारे किचन हो गए, अगर किसी को चाहिए तो कॉमेंट कर देना। और ये है अपना मेन पार्सल। तो हल्का लग रहा है, आई एम डाउटफुल कैसा होगा क्या होगा, तो देखते हैं ओपन करके कैसा होता है। अगर सही है तो जाके फिर अपन इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये खुला भाई बक्सा आपके सामने, और ये इसमें दो पैकेट्स हैं, दैट्स इट, इसके अंदर दूसरा कुछ नहीं है। तो इसको हम बाजू में रखते हैं, अभी जो है इसको खोलने की बारी। तो चलिए खोलते हैं इसको, कुछ आसान तरीका है इसको खोलने का, नहीं शायद इससे ही खोलना पड़े। पूरा पैक पार्सल, वाह काम की चीज़ निकली है दोस्तों इसके अंदर से। ये देखिए दोस्तों, जिस वजह से मैं पागल था ना, ये जो रबर की ग्रिप ऊपर से निकल रही थी, मेरे पैर कीचड़ में जाके फुटपेक से फिसल रहे थे और इंजरी होने के चांसेस थे, तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है। तो यही था जिसकी मुझको तलाश थी। देखिए क्या मस्त क्वालिटी है, वाह चमक रहा है एकदम, क्या कर रहा है, चमक रहा है, वाह। और इस पर लिखा है देखिए कार्बन रेसिंग, देख पा रहे होंगे आप, कार्बन रेसिंग, वाह। अभी इसको भी ओपन कर, अब ये जाके हम इंस्टॉल करेंगे अपनी गाड़ी पे, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करने से क्या होगा दोस्तों, कि मेरे पैर या आपके पैर फिसलेंगे नहीं ऑफ रोडिंग में, और ग्रिप बनी रहेगी, और इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। क्या बात, क्वालिटी तो जबरदस्त है, अभी अभी मशीन से निकाला है ऐसे लग रहा है, अभी अभी एकदम डाई से निकाला है ऐसे लग रहा है ना दोस्तों। आपको पसंद आ गया ये प्रोडक्ट, अभी चलो लगाते हैं इसको अपनी गाड़ी पे, करते हैं इंस्टॉलेशन, वाओ या। तो निकल पड़ा हूँ दोस्तों अपने CB200S के जो कार्बन रेसिंग के फुटपेक्स है ऑफ रोडिंग वाले, वो इंस्टॉल करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, इंस्टॉलेशन तो पहले देखिए और उसके बाद देखिए क्या इफेक्ट आता है और कितना सिक्योर रहता है ये। मौसम तो एकदम भीगा भीगा है यहाँ पे, और ये इंस्टॉलेशन तो मैं घर पे भी कर पाता था, लेकिन कहाँ चीकड़ में और कीचड़ में ये सब करूँ। तो यहाँ पे मैकेनिक्स है, उनको बोल के फटाफट करवा दूँगा। Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, with a certainty I
कैसे हो? वीडियो चालू है यार। ये ना अपना फुट पेग्स बिठाने के, ठीक है, फुट पेग्स बिठाने के मैं बता दूँ आपको। ये है ना, ये बिठाने के ट्रस के ना, हाँ नीचे वाले, हाँ ऑफ रोडिंग के है। ये रबर वगैरह फट गया था तो अभी वो निकाल के ये बिठा सकते हैं क्या, देखते हैं। रबर नहीं चाहिए, सिर्फ ये बिठाने का, रबर नहीं चाहिए। ओप्स, आपको बिफोर और आफ्टर समझ में तो आएगा ही, लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये रबर वाले है ना, इसका तो कुछ मतलब नहीं है बारिश में ऑफ रोडिंग में, तो इसीलिए मैं ये वाले बिठा के लूँगा। अभी बहुत मज़ा आएगा, पैर स्लिप नहीं होना चाहिए इवन ऑफ रोडिंग में भी, और चढ़ते वक्त उतरते वक्त भी पैर स्लिप नहीं होना चाहिए, वो मेन इंटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये देखिए दोस्तों, दोस्त ने निकाल दिया ये वाला जो किस्सा था, ये निकाल दिया। अभी क्या करना है, ये सिंपली ऐसे रखना है इस पर, है ना, और नीचे से नट कसने, हो गया काम अपना, ठीक है। तो ये वाला बात है। तो भाई लोग, और एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि उसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा के ले रहा हूँ, इतना रिस्की नहीं है, बीच में एक बोल्ट आएगा उससे हाइट बढ़ेगी, तो हाइट ऊपर रहेगी तो पहले मेरा पैर थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस रहता था, ऊपर रहता था, ब्रेक ना दब जाए इसलिए, तो अभी थोड़ा रिलैक्स रहेगा और आराम से ड्राइविंग होगी। ये देखिए अभी लग गया है, सिर्फ बोल्ट फिक्स करने बाकी है। हाँ वही देख रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इतना गैप बढ़ गया है और हिलता नहीं है, एकदम फिक्स है ये, ठीक है। तो हाइट ऊपर हो गया, इसकी वजह से मेरे को फुटरेस्ट में आराम मिलेगा, एक्चुअली दैट इज़ गुड वर्क डन टुडे। अभी उधर भी वही चीज़ करने जा रहे हैं भैया, देख रहे हैं दोस्तों, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, बीच में आएगा बोल्ट, उसकी वजह से बढ़ जाएगी हाइट और ऊपर से ऑफ रोडिंग पेग, इसका मतलब पैर फिसलेंगे नहीं ऑफ रोडिंग करते वक्त, या नीचे उतरते वक्त, या गाड़ी पे चढ़ते वक्त, और जब गाड़ी पे बैठेंगे तो वो फुट्स भी आराम से रेस्ट करेंगे, मज़ा आएगा इसकी बात तो राइडिंग में। देख रहे हैं दोस्तों, ये है फाइनल गेटअप बाइक का, फुट रेस्ट का एकदम मस्त हो गया। अभी मैं चला के देखूंगा, पहले तो पैसे दे देता हूँ इनके। भैया कितना हुआ? अच्छा थैंक यू सो मच, है ठीक है। अरे वो करना था क्या, हो रहा है क्या? थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन, चलो निकल दे, देखना वीडियो बस आएगा 2-3 दिन में। हाँ चलो, काम हो गया अपना, जूम आउट कर लिया, ठीक है। क्या मजा आता है यार गाड़ी चलाने में, नए पेग से सेटलिंग करके देखी जाए। हाँ मजा तो आ ही रहा है, स्लिपेज का कोई चांस नहीं है, आराम से जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और मेरे पैर का जो स्ट्रेस था ऐसा वाला वो भी कम हो गया, क्योंकि वो मे बी यू नो मानसिक था, जैसे कि यू नो साइकोलॉजिकल था, कि मेरे को हमेशा लगता है कि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, है ना, तो इसके लिए मैं हमेशा पैर उठा के रखता था, तो लेकिन उससे मेरे मसल्स स्ट्रेस हो जाते थे। तो अभी एकदम बराबर पोजीशन हो गई है, हाइट ऊपर हो गई है और ऑफ रोडिंग के पेस भी लग गए, तो मामला एकदम सेट हो गया है। क्या हो गया है? सेट हो गया है, मज़ा आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का मज़ा आ गया दोस्तों। मैं थोड़ा सैडलिंग करके देखते हैं। वाह मस्त स्टर्डीनेस से, स्लिपेज के कोई चांसेस नहीं है दोस्तों, मज़ा आ गया, आई एम हैप्पी, और ये रोड का तो और भी मज़ा आ रहा है, और ये ज़रूरी था दोस्तों। तो क्या होता था कि मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ, कीचड़ रहता है और वहाँ पे शूज़ पे कीचड़ लग जाता है, फुट पेग्स पे लग जाता है, और एंड टाइम पे जब उतरता हूँ ना, और वैसे भी नीचे भी कीचड़ रहता है, स्टैंड लगा के उतरता रहता हूँ और पैर फिसल जाते हैं, डिसबैलेंस होके गाड़ी भी गिर सकती है और अपन भी गिर सकते हैं। अपन गिर गए तो कोई वांदा नहीं दोस्तों, गाड़ी नहीं गिरनी चाहिए। तो यही है दोस्तों, नहीं अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है वैसे, तो इसीलिए दोस्तों ये लिया है, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए, और आपको अच्छा लगे तो बाय कीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नए अच्छे से वीडियो में। अभी तो बहुत सारे मॉनसून राइड्स करने बाकी है दोस्तों, मॉनसून राइड्स करेंगे और मज़े करेंगे, आप रहिए मेरे साथ। और भाई ऐसे ही छोड़ के मत जाना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, लाइक करना, इससे मुझे मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, विद इन 1 or 2 days, बहुत लंबी राइड्स कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, मैं थोड़ा सा ध्यान रखना मेरा, बाय। तभी से मैं बोल रहा हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं वीडियो एंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अगर बोलते जाता हूँ ना तो बोलते ही जाता हूँ दोस्तों, आपके साथ बोलने में और भी मज़ा आता है दोस्तों, तो लेकिन अभी नहीं, अभी जाना है दूसरी तरफ और दूसरे काम कर रहे हैं। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Yeah.